तो पट्टी का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसके लिए देखिए मैं यहाँ पर चेन से स्टार्ट की हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चेन से स्टार्ट कीजिएगा, आपको जितना चौड़ा बनाना हो। इसमें मैं 12 चेन से स्टार्ट की हूँ, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, साइड में आपको पहले डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर आपको यहाँ पर चार चेन, फिर आप तीन चेन छोड़कर यहाँ पर बीच में एक, आप चाहें तो यहाँ पर हर एक चेन से पहले डबल क्रोशिया बनाकर उसके बाद आप इस डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, और फिर आपको दो डबल क्रोशिया, एक, दो, फिर चार चेन, और फिर आपको यहाँ पर साइड में दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर दो। तो पहली लाइन आपको इसी तरह से बनाना है, फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो साइड में आपको इस दो डबल क्रोशिया को रिपीट करना है, फिर तीन चेन, और फिर हम यहाँ इस बीच में इस तरह से बबल्स बनाएंगे, तीन बार ऊल को इस तरह से खींचेंगे। 4 प्लाई ऊल है, इसीलिए अगर आप लोग थोड़ा सा मोटा बबल्स बनाना चाहते हैं तो 4 से 5 बार ऊल को खींचकर इस तरह से सिंपल क्रोशिया से इसको बंद करिएगा। फिर आपको दो चेन, और फिर इसी में आपको एक और बबल्स बनाने हैं, तो फिर आप 3 बार ऊल को खींचिएगा और फिर इसको इस तरह से बंद करिएगा। फिर दो चेन, फिर 3 बार ऊल को खींचिएगा इस तरह से, दो, तीन, फिर इस तरह से इसको बंद करिएगा। फिर आपको दो चेन और साइड में ये जो दो डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर में आपको इस दो डबल क्रोशिया को बनाकर कंप्लीट करना है। तो ये दूसरा लाइन आपका तोरण पट्टी का हो गया। फिर हम इसका तीसरा लाइन बनाएंगे, तो फिर आपको एक, दो, दो डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन, और फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, और फिर चार चेन बनाकर इसी में आपको फिर से इसको ज्वाइन करना है। इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन आपको इसको बना लेना है, और फिर हम तीन चेन, चार चेन बनाकर इसमें इसको इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है, और फिर तीन चेन, और फिर ये दो डबल क्रोशिया जो बना हुआ है इसको बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ऐसा डिज़ाइन बनेगा, और फिर आपको इस दो डबल क्रोशिया को बनाना है, एक, दो, फिर एक, दो, तीन, चार, चार चेन, और फिर हम यहाँ पर बीच में इसको इस तरह से दो डबल क्रोशिया, एक, दो, फिर तीन चेन, फिर इसी सेम जगह बीच में आपको दो डबल क्रोशिया, एक, दो, फिर
तीन चेन और ये साइड में जो दो डबल क्रोशिया है। फिर हम इसकी अगली लाइन देखिए फ्रेंड्स, जो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन और फिर आपको इसी डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से बबल्स बनाने हैं। तीन बार उल को खींचेंगे, फिर इसको हम सिंपल क्रोशिया से बंद करेंगे, फिर दो चेन, फिर एक और बबल्स बनाएंगे, दो, तीन बार उल खींचेंगे और इसको हम बंद करेंगे, फिर दो चेन, फिर एक और बबल्स बनाएंगे, तीन बार उल को खींचेंगे और सिंपल क्रोशिया से बंद करेंगे, फिर साइड में इसको दो चेन बनाएंगे और इस दो डबल क्रोशिया को बनाकर, या ये आप चेन अपने हिसाब से दीजिएगा, चौला बनाइएगा तो थोड़ा सा चेन को बढ़ा लीजिएगा, कम चौला चाहते हैं तो चेन को घटा लीजिएगा। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तीन लाइन को रिपीट करते हुए इस स्टोन पट्टी को पूरा करना है। अगर डिज़ाइन समझ में आ जाए, समझने में दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।